स्वागत है दोस्तों टेक नील चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट नील, और आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे शायद आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसको तो मैं अभी के अभी ही खरीद लेता हूं। दुनिया में मार्केट में ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको महंगा स्मार्टफोन पसंद आता है एज लाइक एप्पल का स्मार्टफोन, या फिर सस्ते स्मार्टफोन भी जो है वो लेते हैं एज लाइक माइक्रोमैक्स का हो गया, वन प्लस का हो गया। वैसे वन प्लस आज की डेट में महंगे स्मार्टफोन बनाता है तो भाई अफोर्ड कैसे कर पाए। हमारी जो जनता है लगभग 7,000-8,000 वाली, जिनको एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए गेम खेल पाए, तो उनके लिए जो है एक ऐसा अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 8C स्मार्टफोन के बारे में, जिसे एक बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग पर लॉन्च किया गया है, जो है सिर्फ 7,499 रुपये। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्नो स्पार्क है ये चाइना की बेस कंपनी है ट्रैक्शन होल्डिंग, जो ऐसे बढ़िया से कम्पिटिटिव स्मार्टफोन बनाती है जो मार्केट में दूसरे ब्रांड से कम्पीट भी कर पाते हैं और परफॉर्मेंस भी जो है बहुत ही अच्छा देते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको इस वक्त मिलेगा 6GB रैम के साथ में। ये दोस्तों सही सुना आपने, 6GB का रैम, यहाँ पर 3GB का फिजिकल मेमोरी जो है रैम है डाला गया, और 3GB का जो है एक्सपेंडेबल मेमोरी है जो स्टोरेज यूनिट को यूज़ करके आपके रैम को जो है एनहेंस्ड करता है और आपको एक बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस देता है। 64GB के वेरिएंट पे इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है कुछ ऐसा बढ़िया मज़ेदार है कि भाई आपको मज़ा आ जाएगा गेम खेलने के लिए, या फिर बढ़िया से फोटोज़ खींचने के लिए, या फिर मूवीज़ इन्जॉय करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि भाई क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। और भाई अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसमें फीचर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। 4 डिफरेंट कलर्स में ये जो स्मार्टफोन है मिल जाता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैमरा जो है इसके अंदर दिया गया है, मॉड्यूल अवेलेबल है, तो भाई बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन है। 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो 180 का सैम्पलिंग रेट पे जो डिस्प्ले एनहेंस्ड आपको मिलता है, मस्का मजा आने वाला है यार। टेक्नो स्पार्क 8C जो है ये सक्सेसर है इसके पिछले स्मार्टफोन का जो था टेक्नो स्पार्क 8, तो इतने सारे अच्छे अच्छे कूल फीचर है यार स्मार्टफोन में, तो भाई खरीदना बनता है। बट यस दोस्तों अभी रुकिए, खरीदने से पहले जानते हैं पूरा स्पेसिफिकेशन, फिर बात करेंगे कि भाई ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है या फिर नहीं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में कि कैसा है डिस्प्ले। यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये 6.6 इंच का बढ़िया सा HD+ डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है, बिकॉज ये एक IPS कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो लगभग 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पर जो है बनाया गया है। ब्राइटनेस की बात करें तो 480 निट्स की ब्राइटनेस है, जो अच्छी खासी धूप की रोशनी में भी डिस्प्ले जो है अच्छे से आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है 20:9 के स्क्रीन रेशियो पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। 267 पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। मेरे को ये थोड़ी कम लगी है, थोड़ी और अच्छी होती तो आपको जो डिटेल्स है स्क्रीन पर और अच्छे से नज़र आता। और इस स्क्रीन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर ये है कि इस स्क्रीन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है विथ 180 का सैम्पलिंग रेट, तो भाई जब आप ब्राउज करेंगे या गेम खेलेंगे तो भाई आपको बहुत मज़ा आने वाला है डिस्प्ले के ऊपर। बट गेमिंग की बात कर रहे हैं तो भाई ये भी जानते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है प्रोसेसर का, कि यार गेम इस पे खेल पाओगे या फिर नहीं। तो मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आप गेम को भी अच्छे से खेल पाएंगे, पबजी हो जाए, कॉल ऑफ ड्यूटी हो जाए, फ्री फायर हो जाए, इन गेम्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बढ़िया से खेल भी सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको प्रोसेसर मिल जाता है यूनिसॉक का T606 प्रोसेसर, जो लगभग मीडियाटेक के G35 प्रोसेसर से बेहतरीन परफॉर्म करता है, बिकॉज दोनों जो प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर पर बनाए गए हैं और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जो है वो मिलता है टाइगर 606 का। रीजन बिकॉज इसके अंदर आपको ड्यूल कोर और हेक्सा कोर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कॉर्टेक्स का A75 है और कॉर्टेक्स का A55 है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर जो स्पीड है वो आपको अच्छी ही यहाँ पर फील कराएगा जब आप गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर लेंगे। बट यस थोड़ा सा हीटिंग इशू आपको देखने मिल सकता है इस बढ़िया से स्मार्टफोन के ऊपर। ग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मालिका G57 मिलता है, बट ये एक सिंगल कोर GPU है, तो थोड़ा सा जो है लैग जो है शायद आप यहाँ पर देख पाएंगे जब आप इंटेंस गेमिंग परफॉर्म करेंगे।
अब दोस्तों ये तो थी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात, गेम बढ़िया से खेल सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको जो बैक पैनल है वहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो लगभग 1.8 एपर्चर पर जो है आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, और 77 डिग्री का जो है FOV मिल जाता है, फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। तो वाइड एंगल कैमरा भी देखने मिलता है, जहाँ पे फोटोज जो है आप वाइड एंगल पर भी जो है क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाता है, हालांकि उसका कोई मेगापिक्सल डिफाइन नहीं किया गया, बिकॉज ये एक AI कैमरा यहाँ पर दिया गया है मॉड्यूल के ऊपर। पीछे की तरफ आपको फ्लैश लाइट भी देखने मिल जाएगी, और एक अच्छी चीज है फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है स्मार्टफोन पर दिया गया है। नॉर्मली 7,500 के बजट के स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी जो है देखने मिल जाती है, तो ये लगभग आपका 1 से 1.5 दिन तक लास्ट आउट कर सकता है। अगर आप हैवी इंटेंस गेम खेल रहे हैं या फिर मूवीज देख रहे हैं तो एक दिन तक ये जो बैटरी स्टैंड आउट कर सकती है, और अगर आप इसको ठीक ठाक से यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 दिन तक भी जो है ये बैटरी चल पड़ती है। स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 10 वॉट का चार्जर भी यहाँ पर आपको मिलता है, जो लगभग स्मार्टफोन को 2 घंटे में फुल्ली चार्ज कर सकता है। स्टोरेज मैंने जैसे आपको बताया 6 GB रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपैंड कर सकते हैं लगभग 256 GB तक, जो बढ़िया सी बात है। और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो आपको EMMC 5.1 देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं चार्जिंग पोर्ट की, तो यहाँ पर एक चीज़ देख के मुझे निराशा होती है कि जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिलता है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। इसकी जगह पर अगर टाइप सी देते तो थोड़ा सा मज़ेदार होता, थोड़ा सा और चार्जिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता था, बट यहाँ पर इस चीज़ को रखी है। बट यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो मोस्ट ऑफ स्मार्टफोन में आजकल नहीं देते हैं, जो है NFC का फीचर। तो इस बजट स्मार्टफोन में आपको NFC फीचर भी जो है देखने मिलता है। इसी के साथ एंड्रॉयड का गो एडिशन देखने मिलेगा, बिकॉज जिस तरह से स्पेसिफिकेशन तो एक प्रॉपर एंड्रॉइड इसके ऊपर शायद थोड़ा सा हैवी बनता, इसलिए यहां पे एंड्रॉइड गो एडिशन आपको मिल जाएगा, जहां पर सपोर्ट करता है हाई OS 7.6 वर्जन के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए था जिसके अंदर मैं गाना सुन सकूं, मूवीज देख सकूं, स्क्रीन अच्छी खासी आपको मिल जाए, इससे गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा हो, और कैमरा क्लिक करते वक्त फोटोज भी आपकी अच्छी खासी मिल जाए, तो यार 7,500 के बजट में मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन स्मार्टफोन कोई हो सकता है खरीदने के लिए। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यार amazon.in पर इस वक्त ही अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा, और अगर खरीदना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं।